आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में पहुंच चुकी है और जम्मू कश्मीर में कठुआ से आज सुबह इस यात्रा की शुरुआत हुई। हालांकि जम्मू कश्मीर में यात्रा शुरू होने से पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट किया था कि राहुल गांधी पैदल कई इलाकों में जाना अवॉइड करें, वो पैदल इस यात्रा को ना करें, ये सुरक्षा के लिहाज से उन्हें सलाह दी गई थी। हालांकि राहुल गांधी अभी भी जम्मू कश्मीर में पैदल इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। संजय राउत, जिनकी तरफ से पहले ही बताया गया था, संजय राउत ने कहा था, शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि मैं भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनूंगा और ये जम्मू कश्मीर की धरती पर होगा। तो आज सुबह जो तस्वीरें सामने आई वो भी सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से शेयर की जा रही हैं। राहुल गांधी के साथ साथ संजय राउत भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चूंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, बारिश में रुक रुक कर हो रही है, मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है, इसलिए कई लोग ये सवाल पूछ बैठे थे कि क्या राहुल गांधी अभी भी टी शर्ट में चलेंगे या फिर क्या वो जैकेट या स्वेटर का सहारा लेंगे। आज सुबह की जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक ब्लैक कलर की जैकेट में राहुल गांधी नजर आए तो लोगों को लगा कि क्या सर्दी लग रही है, क्या सर्दी से बचने के लिए राहुल गांधी ने स्वेटर या जैकेट पहन ली है। अब उन सवालों का जवाब भी सामने आ चुका है क्योंकि वहां पर बारिश हो रही थी और राहुल गांधी ने पहना था रेनकोट। तस्वीरें दिखाते हुए बताऊंगी आपको। ये तस्वीर है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे, ये तस्वीरें आज सुबह की हैं। यहाँ पर अभी आपको संजय राउत दिख रहे हैं, संजय राउत जो कि आगे बढ़ते हुए नजर आए और भारत जोड़ो यात्रा में देश के लोगों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट से आते हैं, संजय राउत अपनी बेबाकी और अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, ललकारते हैं और ऐसे में संजय राउत, ये देखिए संजय राउत ने हालांकि सर्दी से बचने के हर कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने मफलर पहना हुआ है और स्वेटर पहना हुआ है, शूज बाकायदा पहने हुए हैं। संजय राउत आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अभी चूंकि मैंने राहुल गांधी का जिक्र किया तो राहुल गांधी की तस्वीरें भी आपके साथ हम साझा करेंगे। राहुल गांधी किस तरीके से नजर आए, हालांकि राहुल गांधी ने जो जैकेट पहनी हुई थी वो सर्दी से बचने के लिए नहीं, वो बारिश से बचने के लिए थी। और ये कुछ तस्वीरें हैं, अजमीरा जूम करके दिखाएंगी, ये वो तस्वीर है, एक बार फिर से इसको मैं रिवर्स करती हूँ। ये अभी ये ब्लैक कलर का जो जैकेट दिख रहा है ये दरअसल रेनकोट है और चलते चलते राहुल गांधी ने इस रेनकोट को भी रिमूव कर दिया, हटा दिया। और यहां बराबर में संजय राउत आपको दिख रहे हैं, संजय राउत राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर में नजर आए, कठुआ से आज यात्रा की शुरुआत की थी। हालांकि मौसम देखकर समझ में आ रहा है बाकियों के कपड़े मोटी मोटी जैकेट्स लोगों ने पहनी हुई हैं, लेकिन राहुल गांधी एक बार फिर से व्हाइट टी शर्ट में नजर आए हैं। हालांकि सर्दी से बचने के लिए उन्होंने रेनकोट का सहारा जरूर लिया, ये कैमरा पर्सन है उसने भी रेनकोट पहना हुआ है। और बारिश आज जम्मू कश्मीर में हुई है, जम्मू कश्मीर जहां पर बर्फबारी भी हो रही है, झील जम गई है, जहां पर पहाड़ और गाड़ियों की छत या फिर घरों की छत बर्फ की मोटी चादर से ढकी हुई है, हर तरफ सफेद बर्फ की परत नजर आ रही है। ऐसे में राहुल गांधी आज फिर से व्हाइट टी शर्ट में नजर आए हैं। संजय राउत का साथ मिलना इस यात्रा को और ज्यादा मजबूती दे रहा है। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों से जब ये यात्रा आगे बढ़ी तो ऐसे ही कुछ बड़े चेहरों का साथ मिला, कभी खिलाड़ियों का साथ मिला, कभी राजनेताओं का साथ मिला। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तो हालांकि कभी करीब करीब 10 दिन बाकी है, 30 जनवरी आखिरी दिन होगा इस यात्रा का, जब कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा फहराकर इस यात्रा को खत्म करेंगे राहुल गांधी। कई जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इस यात्रा से बड़ा बदलाव आएगा राहुल गांधी के राजनीतिक करियर में भी, कांग्रेस पार्टी के लिहाज से भी। अभी ये थोड़ा सा लॉन्ग व्यू की तस्वीरें हैं, सुरक्षाकर्मी साथ में चल रहे हैं, सुरक्षा इंतजामों के बीच में। हालांकि चूंकि यहाँ पर सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता करनी थी, ज्यादा टाइट सिक्योरिटी रखनी थी, इसीलिए राहुल गांधी के थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे लोगों की भीड़ को हटाया गया है, जो कि बाकी राज्यों में जब ये यात्रा आगे बढ़ती थी तो खचाखच भीड़ रहती थी। सुरक्षा लिहाज से बेहतर भी है, ठीक भी है, राहुल गांधी को सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखना भी चाहिए। राहुल गांधी उसी तरीके से उसी अंदाज में स्माइल करते हुए, लोगों का अभिवादन करते हुए, हाथ हिलाते हुए, वेव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षाकर्मी लगातार साथ में हैं क्योंकि सेंसिटिव जोन भी कई ऐसे हैं जहां पर राहुल गांधी इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। संजय राउत साथ में हैं। आगे भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई जो भी तस्वीरें होंगी वो आपके साथ हम साझा करेंगे। लेकिन राहुल गांधी की आज जैकेट को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए तस्वीर मैंने आपके साथ साझा की। जम्मू कश्मीर में बारिश हुई है जिसके बाद रेनकोट राहुल गांधी ने पहना था खुद को बारिश से बचाने के लिए। बारिश में अगर चलते तो बीमार हो सकते थे, राहुल गांधी जानते हैं कि उनके सेहत के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसीलिए रेनकोट का सहारा लिया बारिश से बचने के लिए और फिर से व्हाइट टी शर्ट में ही चलते हुए कदम से कदम मिलाते हुए संजय राउत के साथ नजर आए।